नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार जो है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नाराजगी जो है सरकार के साथ झलकती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है राहुल गांधी पर, उसका विरोध करते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के साथ पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है, उसे लेकर भी अब कई सारे सवाल जो है अशोक गहलोत ने सरकार पर उठाए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत के भाई के ऊपर भी सीबीआई की छापेमारी हुई और अशोक गहलोत के पुश्तैनी घर पर भी सीबीआई पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए। और इन सभी के बीच जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है ईडी की कार्रवाई को लेकर और उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, इन सभी चीजों को गलत बताया है अशोक गहलोत ने और यहां पर कहा है कि सरकार जो है मनमानी कर रही है और जबरदस्ती इस तरह की चीजें कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने जो है यहाँ पर ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन जारी रखा है और आज भी देखने को मिला है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है ईडी के दफ्तर के लिए मार्च करते हुए घर से निकले। चलिए आपको सुना देते हैं कि आखिर अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को लेकर और क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। इसमें हिंसा नहीं होती है, तनाव नहीं होता है और अपनी बात कहने का तरीका होता है। दुर्भाग्य से जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कि गांधी जी का सत्याग्रह था, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये चौथा दिन है जब शांति से सद्भावना से बैठे हुए हैं या अरेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, जो कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। परंतु ये लोग जो है पुलिस जो है वो उल्टा अत्याचार कर रही है कार्यकर्ताओं पर, उल्टा हो रहा है। कल ही मैंने कहा था कि कार्यकर्ता तो शांति से हैं, सद्भावना से बैठे हैं और ये पुलिस अत्याचार कर रही है कार्यकर्ताओं पर, जगह जगह रोक रही है। हाँ, अगर हिंसा हो, पत्थरबाजी हुई हो कहीं पर, आगजनी हुई हो, तो आपका हक है कि आप अरेस्ट करो, उनको रोको, कार्रवाई करो, हुक्म दर्ज करो। ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा उदाहरण आपके सामने जहाँ बिल्कुल शांति सद्भावना से बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जब हम बार बार कहते हैं वो कंपनी ऐसी है जो नॉन प्रॉफिट वाली है, जिसमें एक रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाय तो नहीं ले सकता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत बनी हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पूरा देश समझ रहा है, पूरे कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जब भयंकर आक्रोश है कि दिल्ली की सरकार को एहसास नहीं है। एहसास करवाने के लिए कार्यकर्ता आए हैं और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी।